जी ऐसे पिछले कल जो मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की है पेंशनर्स के लिए अब पंजाब की तरफ पर यहाँ पर ही मासिक रेल मिलने वाली है, काफी लंबे अरसे से आपकी ये मांग थी, इसको लेकर आप लोग संतुष्ट हैं जो पिछले कल घोषणा की गई है? मैं हरिचंद गुप्ता, सेक्रेटरी जनरल पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन, अपने पेंशन एसोसिएशन के 1,75,000 पेंशनों की ओर से आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पंजाब की तर्ज पर जो हमारा वेतनमान रिवाइज होना है उसके लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया, स्वीकृति प्रदान कर दी है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगी कि पंजाब के हिसाब से 119 रुपये डीए दिया जा रहा है, इसे भी पेंशन में सम्मिलित किया जाए। पेंशनों के बहुत सालों से चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। अभी अभी मुझे सिरमौर से भी टेलीफोन आया था तो वहाँ भी एक पेंशनर के को 1.5 लाख रुपये का मेडिकल बिल पेंडिंग पड़ा है। इसी तरह स्टेट में बहुत बुजुर्गवार लोग हैं, बीमार रहते हैं, लंबी बीमारियों से लंबित पड़े हैं, उनके बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी दुखद बात है। ये हम सरकार के हिमाचल के मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाना चाहते हैं कि कृपा करके इस विषय में तुरंत पग उठाएं ताकि पेंशन एक राहत महसूस कर सकें। दूसरे, उच्च न्यायालय ने पेंशनों के कई मामले जो है वो सुलझाए हैं तो उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाए। और साथ में ये भी है कि जो उच्च न्यायालय ने फैसले किए हैं उसके प्रति हमारी सरकार उच्चतम न्यायालय दिल्ली पहुंच जाती है, तो ऐसी क्या बात है जो कि वो हमारे उच्च न्यायालय का फैसले को वो मानते नहीं है, मान्यता नहीं देते हैं। इसके विषय में उनको इस बात के लिए सोचना चाहिए। बाकी हम काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, हमारे हर साल 17 दिसंबर का फंक्शन मनाया जाता है, हज़ारों पेंशन इकट्ठे होते हैं, तो हमने ये कहा था कि हमारा जो 16 सूत्रीय मांग पत्र है उसको सुलझाने के लिए हमारा JCC का गठन कर दिया जाए, लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। आज फिर पुनः हम इस अवसर पर आज मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं 1.5 लाख पेंशनों की तरफ से कि JCC का गठन करने में कोई कीमत नहीं लगेगी, उसको गठन कीजिए और जो भी मुश्किलें 16 सूत्रीय मांग है उसको एक एक करके निपटाया जा सकता है, ऐसी कोई समस्या की बात नहीं होती है जो बातचीत से हल नहीं होती है। ये हमारी मुख्यमंत्री से कहने की बहुत आवश्यकता है इस बात के लिए, और विशेषकर ये चिकित्सा बिलों का होना चाहिए। और ये जो पंजाब पैटर्न अनाउंस हुआ है इसको इन टोटो जो है पंजाब की तर्ज पर इम्प्लीमेंट किया जाए। ये नहीं है कि अब 3 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है उसके बाद नोटिफिकेशन में जैसा पंजाब में कई विसंगतियाँ रख दी गई थी वैसे यहाँ भी विसंगति रख दी जाएगी, तो ऐसा नहीं स्वीकार्य होगा। अगर अभी जल्द से जल्द जो ये नोटिफिकेशन इस चीज़ पर लेकर नहीं दी जाती है तो आने वाले समय में क्या आपकी तरफ से जो कदम है वो उठाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबी है जैसे आप लोगों की जो मांग इसको लेकर प्रदेश सरकार के सामने आ रही जा रही है? सबसे पहले तो जो 25 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये घोषणा की गई है कि पेंशनर्स को पंजाब की तर्ज पे पेंशनर्स लाभ दिए जाएंगे, उसका हम स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। साथ ही जो 28% से 31% डीए किया है, 3% डीए केंद्र की तर्ज पे देने की घोषणा की है, उसका भी हम बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो पंजाब की हूबहू 100% जो घोषणा पंजाब में हुई है वही नोटिफिकेशन में हिमाचल में भी होनी चाहिए। इसमें जब पंजाब में नोटिफिकेशन होगी इफ बट वाली बात नहीं आनी चाहिए, जैसा कर्मचारियों में आया उसे एक तनाव भी बनता है और ऐसी घोषणा करने का भी कोई औचित्य नहीं रहता है। और इसमें बेहतर होता अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस घोषणा के साथ साथ संयुक्त सलाहकार समिति की घोषणा भी करते पेंशनर्स की, ताकि एक सरकार को एक ऐसा मंच, अनुभवी लोगों का एक ऐसा मंच मिलता जो अपनी जितनी भी विकासात्मक गतिविधियां हैं उनको उनके सम्मुख लाने का, और हम उसका आगे प्रचार भी करते हैं, सरकार की जो जितनी भी उपलब्धियां हैं वो हम आगे जनमानस तक भी पहुंचाते, तो ये एक बेहतर होता और उसमें साथ साथ जो है पेंशनर्स के कई मुद्दे जो है डिस्कस होते,
तो हम यही अनुरोध करेंगे सरकार से कि एक तो जो पंजाब की घोषणा है पेंशनर्स की, वही लाभ हमें यहाँ भी मिले 100%, उसमें कोई भी इफ बट ना लगे, पूरे पूरे हमें वैसे ही पंजाब की तर्ज पे लाभ मिलने चाहिए। उसमें पंजाब में 65, 70 और 75 वर्ष की आयु में 5, 10 और 15 क्रमशः ये बेनिफिट मूल पेंशन में दिए गए हैं। विशेषकर ये मैं इस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, मूल पेंशन में दिए गए हैं। वहाँ ये है छठे वेतन आयोग की सिफारिश है, सरकार की ये अलग से घोषणा नहीं है, वहाँ ये छठे वेतन आयोग में लिया गया है कि 65, 70 और 75 की आयु में 5, 10 और 15% जो है प्रतिशत जो है मूल पेंशन में पेंशन बढ़ोतरी होगी, उसी तर्ज पे यहाँ भी होगी।